Good afternoon, student. So, in the previous class, we have studied about the balanced diet. मतलब हम अपने previous class में balanced diet और water के बारे में सीखे थे. अभी now we are going studied about the cooking food. मतलब cooking food मतलब क्या होता है? जो हम खाना बनाते हैं वो कौन से फूड होते हैं, कुकिंग फूड कैसे होने चाहिए, ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. वी ईट सम फूड सच एज फ्रूट्स एंड रॉ. मतलब होता है कि कोई फ्रूट या कोई भी फूड हम एक तो पका कर खाते हैं और या तो अनकुक मतलब बिना पकाए हुए खाते हैं. तो हमें फ्रूट को दे शुड बी प्रॉपरली वॉश टू गेट रीड ऑफ डस्ट एंड जर्म्स बिफोर ईटिंग. मतलब खाने से पहले आपको वो अच्छे से धोना चाहिए क्योंकि उसमें से जो वो जर्म्स लगते हैं, वो जो कीटाणु होते हैं वो हटाने के लिए, वो अनवांटेड चीज़ जो होती है जो अपने को हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, वो हटाने के लिए वो कुकिंग करने से पहले उनको धोना चाहिए. अदर फूड सच एज वेजिटेबल एंड सीरियल्स आर कुकिंग बिफोर ईटिंग. मतलब होता है कि जो अदर फूड्स है जैसे कि वेजिटेबल्स है, सीरियल्स दाल है, वो हम कुक रोज जो हम कुक करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो वो हम पका कर खाते हैं, है ना. तो सीरियल्स आर कुकिंग बिफोर ईटिंग मतलब खाने से पहले उसको पकाते हैं. क्या कच्चा खाते हैं क्या हम वेजिटेबल्स? नो. तो कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी एंड टू इजी टू डाइजेस्ट. और कुकिंग से क्या होता है, फूड को एक टेस्ट आती है, वो सॉफ्टनेस आती है ना, डाइजेस्ट होने के लिए, पचने के लिए हल्का हो जाता है, इसलिए हम उसको कुक करके खाते हैं. इट ऑल्सो द जर्म्स इन द फूड इज ऑल्सो द किल द जर्म्स. और कुकिंग करने से क्या होता है कि वो जर्म जो रहते हैं हमारे फूड में वो क्या हो जाता है, किल हो जाते हैं. बट ओवर भी कुकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये क्या हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से, ओवर कुकिंग करने से वो निकल जाते हैं. फूड शुड बी कुक्ड इन इनफ वाटर. मतलब क्या होता है कि फूड हमें ज़्यादा पानी में नहीं कुक करना चाहिए, वो कम पानी में कुक करना चाहिए. कुकिंग इज टू मच वाटर थ्रोविंग द अवे वाटर अवे मेक्स अ फूड लॉस न्यूट्रिएंट्स. मतलब कि अगर हम ज़्यादा पानी में उसको कुक करेंगे तो वो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उससे निकल जाएंगे, अपने फूड से निकल जाएंगे. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग देम. कटिंग के बाद मतलब हम जो कट करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, तो उसके बाद हमको उनको धोना नहीं चाहिए, वो बिफोर कटिंग धोना चाहिए. मेनी न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट विद द वाटर क्योंकि उसमें से जो मेनी न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं, वाटर के साथ बह जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्विंग फूड. मतलब हमको प्रिजर्व कैसे रखना है फूड को, अच्छे जगह कैसे रखना है वो बताया. स्टेल फूड गोज बैड बिकॉज जर्म्स एंड मॉल्ड्स आर ग्रोइंग इन इट. स्टेल फूड क्या होता है, जो हम बासी खाना है ना, जिसको मराठी हम शिड़ा खाना बोलते हैं, शिड़ा अन्न. तो स्टेल फूड उसमें क्या लगते हैं, जर्म्स लगते हैं. मतलब रात का खाना हम सुबह खाते हैं तो ज़्यादा वक्त हो जाता है, कभी आफ्टरनून हो जाता है तो वहाँ क्या होते हैं, जर्म्स लगते हैं. और वो बोलते हैं ना मॉल्ड, मतलब वो बुरशी जैसे वो हरा हरा हो जाता है थोड़ा सा कलर, वो मॉल्ड वहाँ ग्रोविंग होने लगती है क्योंकि जर्म्स एंड मॉल्ड ये लिविंग थिंग्स है और वो हमारे जो खाना है उसमें उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है बढ़ने के लिए, वहाँ ग्रो होने के लिए. तो ये हमको स्टॉप करना चाहिए और ये स्टॉप करने से जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा, कैन नॉट ग्रो एंड फूड विल नॉट गेट स्पॉइल. इससे क्या होगा, फिर फूड हमारा स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है. तो फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू डेज इन द रेफ्रिजरेटर. मतलब हम फ्रीजर में
ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, हमारा खाना रखते हैं ताकि वो 2-3 दिन अच्छा रहे, स्टोर करके रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स एंड मोल्ड, ये क्योंकि कि जर्म्स एंड मोल्ड जो होते हैं वो कोल्ड कंडीशन में, मतलब ठंडी जगह पे ज़्यादा नहीं बढ़ते। कि दीज डेज यू कैन फ्रोजन, मतलब अभी के दिन हम कुछ भी मार्केट में ख़रीदने जाए या कुछ लिक्विड लेने जाए तो वहाँ क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर में वो रख कर आपको मतलब कुछ मंथ तक वहाँ रखते हैं, वो ही बेचते हैं। फूड एंड दैट यू गेट बॉटल और कैन, जो बॉटल और कैन में भरे हुए होते हैं उसमें जो फूड बॉटल और कैन में भरे होते हैं उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। क्यों ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव क्यों करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने से ज़्यादा जर्म्स और मॉल्ड बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है उनको तो वो रिमूव करके वहाँ भरते हैं बॉटल्स में। दिस प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ग्रोविंग, जर्म्स ग्रोविंग होने से स्टॉप होता है। अनादर वे प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ग्रोविंग इज एड अ प्रिजर्वेटिव्स टू द फूड। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स मतलब क्या होता है कि खाना अच्छा रहने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं वहाँ। ठीक है, जैसे कि हमारा पिकल है, मतलब लोन्स हम बोलते हैं मराठी में, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि ताकि वो मतलब कुछ साल तक या कुछ मंथ तक अच्छा रहे, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सम फूड कैन बी डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड मतलब होता है वहाँ का पानी निकाल देना, बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम देम एंड देन सीलिंग देन कैन एंड, और उसके बाद वहाँ पूरा पैक करते हैं उस कैन को, जो भी आप लिक्विड पेप्सी लेते हैं, कोकोला लेते हैं, तो वहाँ सीलिंग करके वहाँ उसका वहाँ का पानी निकाल देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं और फिर वहाँ वो कैन में भरते हैं। सिंस लिविंग थिंग कैन नॉट स्टे विदाउट वाटर, क्योंकि लिविंग थिंग विदाउट वाटर से रह नहीं पाता, स्टे कर नहीं पाता, विदाउट ऑक्सीजन से स्टे कर नहीं पाता। जर्म्स आर अनेबल टू ग्रो इन डिहाइड्रेटेड फूड, जर्म्स ये डिहाइड्रेटेड फूड में कभी ग्रो नहीं होते। ये देखो प्रिजर्व्ड फूड, जैसे कि ये है वो टोमेटो केचप है, जाम है ना, ये बॉटल्स में आते हैं, तो पाइनएप्पल का ये स्लाइसेस है, यहाँ चिप्स हैं, यहाँ की हवा निकाल के ऑक्सीजन निकाल के ये रखते हैं, प्रिजर्व फूड, मिल्क है, बिस्किट है, तो ये यहाँ प्रिजर्विंग फूड है, ये यहाँ ये प्रिजर्विंग फूड है, जो ये है रेफ्रिजरेटर, जो हम हमारे घर में जो फ्रीज बोलते हैं वहाँ खाना अच्छा रहने के लिए हम रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय, सी यू सून एंड थैंक यू।